स्थित आजाद मैदान में धड़क कामगार यूनियन द्वारा कोकण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन धड़क कामगार यूनियन के नेता एवं मुंबई मित्र व वृत्त मित्र अखबार के समूह संपादक अभिजीत राणे जी ने किया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख आकर्षण रहा अंध व्यक्तियों द्वारा किया गया स्टेज परफॉर्मेंस। नयन फाउंडेशन से जुड़े सभी अंध व्यक्तियों ने गीत संगीत कॉमेडी प्रस्तुत की। नयन फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह स्टेज शो पूरी तरह अंध व्यक्तियों ने ही संचालन से लेकर गीत संगीत सब कुछ एक आठवें अजूबे की तरह किया। सभी आए हुए लोगों ने इस स्टेज शो की काफी सराहना की। बता दें कि धड़क कामगार यूनियन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 15 जनवरी तक शुरू रहेगा। रोजाना हजारों की तादाद में लोग कोकण महोत्सव के कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। समय नेशनल मुंबई। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। देखिए किस तरह से बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की दो स्टाइल्स हैं। एक जब मन की बात करते हैं तब बड़ी धीमी आवाज के साथ, शांत गंभीर आवाज के साथ बात करते हैं, और जब वो जनसभा को संबोधित करते हैं तब उनकी आवाज अलग होती है। मैं दोनों आवाजें आपके सामने पेश करूंगा। देखिए दोनों आवाजों में विविध, देखिए वेरिएशन देखिए। सबसे पहले मन की बात, आदरणीय नरेंद्र आदरणीय नरेंद्र मोदी। मेरे प्यारे देशवासियों, आकाशवाणी के जरिए जब मैं मन की बात करता हूं तो मेरे अंदर की इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। आकाशवाणी के जरिए जब मैं मेरे 125 करोड़ देशवासियों के सामने बात करता हूं तो मेरे भीतर की इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। मन की बात आवाज आणि जेव्हा भाषण करता जेव्हा प्रचार सभेला संबोधित करता तेव्हा भाई बहनो, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है। आजादी का 75वां साल कैसा रहेगा? आजादी के 75 साल में मेरे देश का किसान सबसे मजबूत होना चाहिए भाइयों बहनों, और मेरे देश का हर व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए, ये मेरा सपना है दोस्तों।